संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस कड़ी में यूपी के शामली का नाम भी जुड़ गया है। यहाँ के राजपूत समाज के नेता अभिषेक सिंह ठाकुर ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी नासिर अली की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी, ये जो संजय लीला भंसाली द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो ये मूवी बनाई गई है, हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। इसमें माँ पद्मावती को खिलजी के साथ दिखाया जाता है। अब इसके सॉन्ग देखिए, मूवी के अभी एक जो सॉन्ग आया है घूमर, उसमें अंग प्रदर्शन किया जा रहा है। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले जो हैं, ये जो हीरोइन है रोज तरह तरह के बयान देती है। ये तो अंग प्रदर्शन कर पैसा कमाने वाले लोग हैं, इनका क्या, इन्हें इतिहास से किसी के से क्या लेना देना। वे भूल गए 16,000 रानियों के साथ हमारी माँ पद्मावती ने, पद्मनी ने जो जौहर किया था ये उसको भूल गए, और इन्होंने अपना अंग प्रदर्शन कर जो पैसा कमाने की जो दुकान खोल रखी है इसे लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। सारा क्षत्रिय समाज इसका पूरी तरीके से विरोध करता है, और अगर ये फिल्म रिलीज करने की गलती से भी कोशिश की गई तो हमें मजबूरन हिंसा पर उतारू होना पड़ेगा। राजपूत समाज एक सभ्य समाज है, और हमें जिस तरीके से तरह तरह के बयान देकर उकसाया जा रहा है ये कतई सही नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के साथ छेड़छाड़ करके जो ये फिल्म बना रहे हैं इनकी बहुत गलत बात है, और हमने अभी इसका प्रदर्शन भी किया है और करते रहेंगे। जब तक ये फिल्म बैन नहीं होगी तब तक हम इस फिल्म का प्रदर्शन करते रहेंगे, और अगर ये फिल्म रिलीज करने की गलती से भी कोशिश की गई तो हम इस पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देंगे।